मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार जाने के बाद अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब काले धन के लेन देन में उनके करीबियों पर गाज गिर सकती है, जिसके जाल में कमलनाथ भी फंस सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के 4 अफसरों के खिलाफ CBDT की जांच रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन का लेन देन करने का आरोप लगा है, जिसके बाद इन सभी पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और अब ये मामला सियासी तूल भी पकड़ता जा रहा है। आखिर क्या है पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर मुश्किलों के काले बादल मंडराने लगे हैं। इस बार कमलनाथ पर चुनावों के दौरान हुए बड़े पैमाने पर अवैध लेन देन की गाज गिर सकती है। दरअसल चुनाव आयोग ने कमलनाथ के करीबी सहयोगी IPS IAS अफसरों के खिलाफ अवैध लेन देन के मामले को उजागर करने के बाद केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी जाँच आगे बढ़ी तो कमलनाथ भी जाल में फंस सकते हैं। CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि चुनाव 2019 के दौरान बेहिसाब नकदी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया, जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत आयकर नियमों के खिलाफ है। इनकम टैक्स की रेड में जिन मंत्रियों और अफसरों के नाम आए हैं, उन सभी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाना है। बता दें कि CBDT की जांच रिपोर्ट में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें 3 अधिकारी IPS अफसर जिनके नाम सुशोभन बैनर्जी, संजय माने और बी मधु कुमार हैं, जबकि राज्य पुलिस सेवा के एक अधिकारी अरुण मिश्रा का नाम भी शामिल है। इन चारों के खिलाफ अब FIR दर्ज करने की तैयारी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो इसके घेरे में अन्य कई लोग भी आएंगे और कमलनाथ भी इसके जाल में फंस जाएंगे। अब इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। वहीं BJP ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा और मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये पूरा लेन देन कमलनाथ सरकार के समय में हुआ था, इसलिए इस मामले में सबसे पहले कमलनाथ पर FIR होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार के समय में महिला एवं बाल विकास में पोषण आहार घोटाला किया गया, जिसकी रकम लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं को भेजी गई थी। कमलनाथ सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें कई अधिकारियों की अहम भूमिका थी, इसलिए इस मामले में केवल इन 4 अधिकारियों पर ही नहीं बल्कि कमलनाथ के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। CBDT की रिपोर्ट में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब BJP कमलनाथ पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। वहीं BJP प्रवक्ता हितेश वाजपेयी का कहना है, वहीं BJP इस घोटाले की एक एक बात जनता तक पहुंचाएगी और अभियान चलाकर कांग्रेस का भ्रष्टाचार सबके सामने लाएगी। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद कमलनाथ चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में आयकर विभाग ने प्रवीण कक्कड़, राजेंद्र मिगलानी, अश्विनी शर्मा सहित उनके कई रिश्तेदारों के यहां छापेमारी कर कार्रवाई की। ये सभी लोग कमलनाथ के करीबी बताए गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई में करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त हुई थी। अब BJP का आरोप है कि आयकर विभाग को जो नकदी मिली थी उसका इस्तेमाल दिल्ली में राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए खर्च होना था। खैर, अब आगे की जांच में ही इसका खुलासा हो पाएगा, लेकिन अब कमलनाथ भी भ्रष्टाचार के जाल में फंस सकते हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।